अच्छा मिश्रा जी, इसका ये बाबा नेमनाथ आश्रम है और ये प्राचीन शिव जी मंदिर है, तो आप भक्तों को कुछ बोलना चाहते हो, उत्तर प्रदेश वालों को और भारतवर्ष वालों को? ये प्राचीन स्थल है बाबा नेमनाथ, शिकोहाबाद स्टेशन रोड पे, तो आप क्या बोलना चाहते हैं भक्तों को रुद्रशिव के बारे में, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बाबा की कृपा से अब जो भी मुझे रुद्राभिषेक मिलेगा वो पहला अब रुद्राभिषेक इसके बाद में मैं यही कराने का पूर्ण प्रयास करूँ बाबा नेमनाथ आश्रम में। नेमनाथ आश्रम। अपने मोबाइल नंबर बता दिए भक्तों को, ये आपको पूरे हिंदुस्तान पूरा विश्व सुन रहा है, सब देख रहे हैं आपको। मैं जो है क्या बताऊँ आपको, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, जब तो लोग संपर्क करेंगे रुद्राभिषेक करने के लिए। बोलो 92 बोलो ना 1923-4681 एक बार दोबारा बोलिए 9219-2346-81 अच्छा, और रुद्राभिषेक हो रहा है भोलेनाथ का। ये प्राचीन बाबा नेमनाथ आश्रम है, और जो ये बताइए जो रुद्राभिषेक प्राचीन जैसे शिवलिंग पे होता है उससे क्या फायदे होते हैं? इससे जो है आदमी को सुख शांति समृद्धि एवं शालीनता मिलती है, इससे आदमी की दीर्घ आयु होती है, इससे जो है उस जो कराता है उसी के भी नहीं पूरी क्षेत्र में जहाँ तक मेरी आवाज़ लोग सुनेंगे वहाँ तक सुख शांति और समृद्धि होगी। ये देवादेव महादेव बाबा की ऐसी कृपा होती है। मैं बाबा के चरणों में बार बार वंदना करते हुए यही कहूँगा कि भोले बाबा ने आज मुझे ये शुभ आशीष प्रदान किया है कि आज मैं रुद्राभिषेक कराने जा रहा हूँ, और भविष्य में भी मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पर भी रुद्राभिषेक कराने के लिए मैं समय समय पर आता रहूँ। बाबा नेमनाथ आश्रम स्टेशन रोड शिकोहाबाद जी। तो रुद्राभिषेक 12 बजे से चालू होगा ना? अब देखिए ये तो उनके ऊपर और कुछ भक्तों के लिए कोई ये कुछ संदेश देना चाहते हो, जैसे गाय गौ माता के लिए कुछ बोलना चाहते हो? मैं गाय के लिए ये चाहता हूँ कि मुझे भी एक बार गाय दी गई दान करके, तो वो गाय दूध देने वाली थी लेकिन मैंने भोले बाबा की कृपा से मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब की बार उसी पुरुष ने मुझे फिर गाय दी तो मैं उस गाय को ले आया। वो गाय जो है किस तरीके से उन्होंने दी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने उसका इलाज कराया, उसकी अब सेवा मैं हूँ, और जब तक मेरी अच्छा ये महाराज जी रोडों पे जो गौवंश घूम रहे हैं इनके मामले, इनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए इनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो अपनी गौशालाएँ हैं वो लोग इनके ऊपर विचार करें, और उन गायों को जैसे कि मेरा उद्देश्य है और मेरी पत्नी का उद्देश्य है कि जब भी कोई भी गाय आ जाए तो मेरे घर में केला सेब संतरा जो भी फल होता है उसको हम फल खिलाने का प्रयास करते हैं, और अब तो जो है मैं अपने जो गाय मिल चुकी है उसी की सेवा में। और ये बताइए जैसे जो घर के लोग जैसे खाने का सामान पॉलिथीन में फेंक के कूड़े में फेंक देते हैं, कूड़े में जो गौवंश खा रहे हैं, इस मामले में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये तो बहुत निकृष्ट कार्य है, लोगों को कभी भी कोई भी चीज़ कूड़ेदान में खाने की चीज़ से डालनी चाहिए, न कि उसको पॉलिथीन वगैरह में बंद करके कूड़ेदान में फेंके, ताकि हमारी गौ माताएं और हमारे नंदी जो घूमते रहते हैं उसका सेवन न करें, उनको न खाएं, जिससे कि उनको जो बड़ी भयानक बीमारियां हो रही हैं, और हमारे वृंदावन में जैसे एक अस्पताल खुल चुके हैं वहाँ पर उनके ऑपरेशन वगैरह करके वो निकालनी पड़ती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो उन दिक्कतों से बचा जाए, और ऐसी गलती हमको नहीं करनी चाहिए, किसी भी परिवार वाले मनुष्य को या महिला को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि पॉलीथिन में बंद करके कूड़ेदान में कूड़ा डाल। ठीक है महाराज, जय श्री राम, जय गौ माता, ओम नमः शिवाय। सभी भक्त लोग, प्राचीन स्थल है बाबा नेमनाथ आश्रम स्टेशन रोड शिकोहाबाद में, सभी भक्त लोग दर्शन करेंगे।